और अब आपको बताते हैं उस टॉप स्टोरी के बारे में जिसका जिक्र बुलेटिन के स्टार्ट में किया था कि हम आए नहीं लाए गए हैं। हुकूमत से नाराज डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इजलास के लिए आए तो सवाल हुआ, अरे आप यहाँ कैसे? तो बोले, भाई हम आए नहीं लाए गए हैं। आइए देखते हैं। दिले मुस्तर से पूछ है रौनक बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। कुछ ऐसा ही जवाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जब उनसे पूछा गया कि नाराजगी के बावजूद वो मुश्तरका इजलास में कैसे आ गए। डॉक्टर साहब के आप खुद चलकर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी, हम आए नहीं लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। डॉक्टर आमिर लियाकत जैसे भी आए, उन्हें जो भी लाया, वजीर आजम ने चैम्बर में बुलाकर अली जैदी और शाह महमूद को भी साथ बिठाया। यकीनन दिले मुस्तर को करार आ गया होगा, लेकिन कहीं ये मामला ऐसे ही हल तो नहीं किया गया जैसे शाद अजीमाबादी ने अपने शेर में कहा था, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। जी हम आए नहीं लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। आए नहीं लाए गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत के इस नहले पो की वजाहत देने की कोशिश की गई अली जैदी की जानिब से। सस्पेंस वाले आदमी हैं, ये कहना था अली जैदी का। आमिर लियाकत के तीखे जुमलों पर उन्होंने क्या इजहार ख्याल किया, आइए आपको दिखाते हैं। आमिर लियाकत आपको पता है जबरदस्त सस्पेंसफुल आदमी है, वो सस्पेंस करते रहते। तो आमिर लियाकत को तो वैसे भी आना था, वो कौन सी ऐसा कौन सा ज्वाइंट सेशन है जिसमें वो नहीं आए, हमेशा आए, आज भी आए। क्या वजारत मांग रहे हैं? क्या वजारत मांग रहे हैं? देखो, खुश हुए उनके। कौन सा एमएलए, मुझे बताओ कौन सा एमएलए नहीं समझता कि उसको वजीर बनना चाहिए? वो अपनी मोहब्बत का इजहार ये कर रहे थे वजीर आजम से या इमरान खान से कि जहां जहां वो समझते हैं कि उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जो वो कह रहे थे कि आप मुझे यहाँ इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए मुझे अपसेट हो जाता हूँ। माने कि वो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं यहाँ अपना रोल प्ले कर सकता हूँ। तो वजीर आजम ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ जरा रब्ता करेंगे और आप आइए काम कीजिए। पीटीवी में लगा रहे हैं उनको। तो ये वजाहत अली जैदी साहब ने दी, अब इससे आप कितना मुतमईन हैं ये फैसला आप ही को करना है।